नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपका ज्योतिष पर्व, त्यौहार, संस्कार, विभिन्न विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है, वो है सूर्य का हर माह के मध्य में होने वाला राशि परिवर्तन, जिस पर हम बात करते हैं। ये परिवर्तन हर माह के मध्य में 14-15-16 तारीख के आसपास होता है, जिसे साधारण भाषा में संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। आज मैं आपके साथ सूर्य का मेष राशि में 14 अप्रैल 2021 को रात्रि में जो 2:33 पर होने वाला जो परिवर्तन है मेष राशि में, तथा जो 14 मई रात्रि 11:25 तक चलेगा, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सूर्य की स्थिति बहुत उत्तम नहीं थी, अन्य ग्रह भी खराब चल रहे थे, जिससे दोबारा कोरोना इत्यादि आ गया, व्यापार हर प्रकार से शादी विवाह इत्यादि रुके हुए थे। तो कुछ अन्य ग्रह भी राशि बदले इस समय में, जैसे बुध मेष राशि में 15 अप्रैल से 1 मई तक रहेंगे, उसके बाद वृषभ में चले जाएंगे 1 से 14 मई तक, शुक्र 4 मई को वृषभ में प्रवेश करेंगे, उससे पहले वो मेष में चलेंगे। अब मेष लगन पे क्या प्रभाव होने जा रहा है, मेष पहला लगन है 12 लगनों में, आपका मेष लगन है, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा, और यदि बीच में के खाने में 1 नंबर आए, ऊपर के खाने में, चित्र में सबसे ऊपर, तो समझिए आपकी बात हो रही है मेष अथवा असेंड या एरिस। और जन्म का मैंने बोला आपको क्या फीड करना, समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना, ये तो। और यदि आपकी बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं, इनमें से नाम का कोई अक्षर है, तो भी समझिए आपके बारे में बात हो रही है। नाम के अक्षर है चू चे चो ला ली लू ले लो आ। अब मैं मेष लगन के ओर बोलने जा रहा हूँ। आप चाहें तो हमारे चैनल नवग्रह मंथन को आप जो हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको हर महीने हर लगन के आपको जो है मिलें, कार्यक्रम मिलें, आपको ये वीडियोस मिलते रहे। हम सभी ग्रहों पर अलग अलग ग्रहों पर, सूर्य, चंद्र, मंगल इत्यादि पर अलग से एक सीरीज निकाल रहे हैं, उसको भी आप देख पाएंगे, और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण हमने कुछ वीडियोस निकाले, उनको देख पाएंगे। तो मेष लगन पे क्या हो रहा है, सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य पर। साधारणतया पूरे माह शुभ रहेगा, क्योंकि लग्नेश मंगल तृतीय भाव में है। 18 अप्रैल तक थोड़ी सी सुस्ती, थकान इत्यादि रह सकती है। मधुमेह के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़े से इस समय परेशान रह सकते हैं। पीठ और पैर और नेत्रों के रोगियों को थोड़ी बहुत कष्ट हो सकता है, परंतु साधारण रूप से स्वास्थ्य सेफ रहेगा, आयु इत्यादि कोई भय नहीं है। 4 मई तक जो है थोड़ी सी मामूली त्वचा एलर्जी इत्यादि हो सकती है। 4 मई उपरांत थोड़ी एनर्जी ज़्यादा होगी, उसी के कारण खान पीन में लापरवाही से गला, फोड़े फुंसे चेहरे पर एवं पैरों पर, तथा पेट के मामूली परेशानियां हो सकती हैं बुध के कारण। दूसरा जीवन का जो महत्वपूर्ण विषय है वो है नौकरी और व्यापार। नौकरी व्यापार के तुलना में पूरे समय उत्तम रहेगी। नौकरी में उन्नति, प्रगति, अवार्ड्स मिलना, मान सम्मान बढ़ना, इसकी संभावनाएँ हैं। फौज, पुलिस, स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, गृह मंत्रालय का क्षेत्र है, बिजली का, शिक्षा का, चिकित्सा का, पर्यटन का, होटल, थोक व्यापार, सभी में उत्तम रहेगा। व्यापार में कला, संगीत, जवाहरात, एड्स, मीडिया, ब्रांडेड वस्तुओं जैसे टीवी, फ्रिज इत्यादि हो गए, इनमें 18 थोड़ी धन की कमी है, परंतु 4 मई से 14 मई तक व्यापार में अच्छा रहेगा, परंतु परिवर्तन ना करें, परिवर्तन करने से हानि हो सकती है। 14 मई तक यदि परिवर्तन करेंगे। राजनीति हेतु समय अत्यधिक उत्तम है, सूर्य की जो स्थिति लगन में उच्चका सूर्य है। शिक्षा पूरे माह माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में उत्तम समय रहेगा। BCom, लॉ, CA, कंपनी सेक्रेटरी, कॉमर्स, मेडिकल साइंसेस, फार्मा इत्यादि, और केमिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें समय उत्तम रहेगा। संगीत, भाषा,
अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के जो क्षेत्र हैं उनमें थोड़े मध्यम स्तर के आपको सफलता मिलेगी। विशेषकर 4 मई के उपरांत सफलता बेहतर हो जाएगी। 26 से 29 अप्रैल, 7 से 9 मई, 12 से 13 मई थोड़ा अशुभ रह सकता है। मानसिक और स्वास्थ्य के प्रति से थोड़ी सावधानी रखनी होगी इन तारीखों में। फाइनेंस की बात करें तो नौकरी में धन स्थिर रहेगा एवं बढ़ता हुआ व्यापार रहेगा, स्थिर रहेगा। और व्यापार में 18 तारीख तक शुक्र जो अस्त है उसमें थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी। पूरे माह में स्थिर रहेगा परंतु 18 तक थोड़ी सी अस्थिरता या धन की कमी रह सकती है। व्यापार में धन बेहतर हो जाएगा 4 मई के उपरांत। शेयर मार्केट, सट्टे, रिश्वत या अनैतिक तरीकों से धन कमाने से बचना होगा। 14 से 16 अप्रैल, 22, 23 अप्रैल, 28, 29 अप्रैल, 7 से 9 मई महत्वपूर्ण तारीखें हैं धन हेतु, धन कमाने हेतु। जो कागज़ का, कपड़े का और कम्युनिकेशन का जो क्षेत्र है, ब्रांडेड वस्तुओं, मीडिया का, कंप्यूटर इत्यादि, बॉलीवुड का और मॉडलिंग इत्यादि का, उसमें सावधानी से ही रहना होगा, तभी धन आ पाएगा। और उसमें निवेश करना बचना होगा, किसी भी आर्थिक झगड़े को लेकर बचे। विवाह रिश्तों की बात करें तो 18 तक थोड़ा परिवार में धन या कई कारणों से लेकर तनाव हो सकता है मैरिड लाइफ में। यदि प्रेम संबंध चल रहे हैं तो उनमें 18 तारीख तक थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है परिवार में धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। यदि रिश्तों की बात हो रही है तो कुंडली मिलाकर ही विवाह करें, विशेषकर 4 मई से 14 मई के बीच में विवाह है तो समय ठीक है। 4 मई से लेकर 14 मई के बीच में खान पीन यानी ड्रिंक्स, नॉन वेज इत्यादि ज़्यादा होने से, भाषा में सौम्यता कम होने से, धन को लेकर या छोटे भाई बहन या अन्य कारणों से गलत फहमी होने से रिश्तों में तनाव आ सकता है। अब माह बहुत अधिक उत्तम है, बृहस्पति 11वें स्थान में जा रहे हैं तो सौम्यता अत्यधिक आवश्यक रहेगी। लंबे समय के उपरांत एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि इसी 13 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल के बीच में नवरात्र भी हैं, वासंती के नवरात्र, उसमें जो है आप रत्न धारण कर सकते हैं। इसलिए कौन से रत्न आप इस लग्न के लिए धारण कर सकते हैं, मूंगा, पीला पुखराज और बुध की जो स्थिति है उसको देखते हुए धन और पारिवारिक शांति के लिए पक्षियों को भोजन कराना। नवरात्र जो है 14 से 21 अप्रैल है, कोई भी रत्न अपनी मनोवांछित आपकी दशा कुंडली के अनुसार उसको डाल सकते हैं। अब कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें आप विशेष काम कर सकते हैं। तारा डूबा हुआ थे 18 तारीख तक, इससे सभी संस्कार रुक चुके थे, विवाह, संपत्ति खरीदना, बेचना, गृह प्रवेश इत्यादि। अब कुछ समय अच्छा आ रहा है, जैसे 25 से 27 अप्रैल, 4 मई, 5 मई, 8 मई, ये मुंडन के लिए अच्छा है। गृह आरंभ अथवा गृह प्रवेश के लिए 26 अप्रैल, 5 मई, 3 मई और 8 मई के लिए उत्तम है। गृह प्रवेश के लिए 3 मई बहुत उत्तम है। नया व्यापार आरंभ करने के लिए 24 से 26 अप्रैल, 2, 3, 8 मई। यज्ञोपवीत के लिए 27, 28 अप्रैल और मुकलावे के लिए 26 अप्रैल, 3 और 5 मई। देव प्रतिष्ठा के लिए, सर्वदेव प्रतिष्ठा के लिए 24, 25 अप्रैल, 2, 3 और 8 मई। धन्यवाद, नमस्कार।